हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनीज क्रिकेट वर्ल्ड पर। आज हम आपको क्रिकेट के तीन ऐसे ज़बरदस्त नियमों के बारे में बताएंगे जिन्हें आईसीसी द्वारा ख़त्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीसी ने अभी तक कई ज़बरदस्त क्रिकेट के नियम ख़त्म कर दिए हैं या फिर उनमें बदलाव कर दिया गया है। हालाँकि इनमें से कुछ नियम ऐसे थे जो काफ़ी बेहतरीन थे और उन्हें नहीं हटाना चाहिए था। तो ज़्यादा देरी किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले काफ़ी अनोखा और मज़ेदार नियम था। इसमें बैटिंग करने वाली टीम कभी भी 5 ओवरों का पावर प्ले ले सकती थी। ये उसके ऊपर निर्भर रहता था कि वो कब इस पावर प्ले का उपयोग करेगी। इस दौरान 30 गज के सर्कल के दौरान 3 से ज़्यादा फील्डर नहीं रह सकते थे। हालाँकि वर्ल्ड कप 2015 के बाद बैटिंग पावर प्ले के नियम को आईसीसी ने हटा दिया। बैटिंग पावर प्ले काफ़ी शानदार नियम था और इससे काफ़ी ज़्यादा रन बल्लेबाज बनाते थे और फैंस को खूब चौके छक्के देखने को मिलते थे, इसलिए शायद इस नियम को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। नंबर दो, रनर के इस्तेमाल पर रोक। इस नियम के अनुसार अगर बल्लेबाज को दौड़ने में दिक्कत हो रही हो या कोई और शारीरिक परेशानी हो तो वह पारी के बीच में रनर ले सकता था। हालाँकि 2011 में इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया और बोला गया कि अगर बल्लेबाज दौड़ नहीं पा रहा है तो उसे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ेगा। इस नियम का उपयोग कई बार गलत तरीके से किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी इसे हटाना नहीं चाहिए था। इस वजह से कई बल्लेबाज चोटिल होने के बावजूद भी मैच में हिस्सा लेते हैं, जिस वजह से उनकी इंजरी और ज़्यादा गहरी हो जाती है। नंबर तीन, सुपर सर्व। साल 2005 में आईसीसी क्रिकेट के नियमों को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया, इसलिए उसने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव किए, जिसमें एक था सुपर सर्व। इस नियम के अनुसार फुटबॉल की तर्ज पर क्रिकेट में भी 12वें खिलाड़ी की अनुमति होती थी, जिसे आप मैच के दौरान अपने प्लेइंग 11 के किसी एक खिलाड़ी से बदल सकते थे। इस नियम को कप्तानों से ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, इसलिए आईसीसी ने इसे समाप्त कर दिया। एक दर्शक के नज़रिए से यह काफ़ी रोचक नियम था। तो आपके हिसाब से इनमें से किस नियम को आईसीसी द्वारा वापस लाना चाहिए, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।